अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में चार तरह के लोगों की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है। पहले नंबर पर वो लोग हैं जो लाइफ में किसी जगह पर रुक गए हैं, या फिर वो लोग जो कई महीनों या सालों से एक ही रूटीन के पाबंद हैं। दूसरे नंबर पर फाइनेंशियल स्ट्रांग लोगों पर कौम की जिम्मेदारी को बताया गया है। तीसरे नंबर पर उन लोगों की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है जो अपने आप पर बेयकीनी का शिकार हो चुके हैं या कोई भी कदम उठाने से पहले पीछे हट जाते हैं। चौथे नंबर पर इस दुनिया में औरतों की इंपॉर्टेंस बताई गई है, और पांचवें नंबर पर शैतानी निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है उसकी एक झलक बताई गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे प्राइवेसी में और हेडफोन के साथ सुने। इस कहानी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक तसव्वुराती किरदार है। ये कहानी किसी भी तरह से उनकी निजी ज़िंदगी बयान नहीं करती है। इस कहानी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी को मरकज बनाया गया है। काफिले का बुजुर्ग। दूसरा दिन। परिंदे अपनी रिस्क की तलाश में उड़ान भर रहे थे। ये सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। नदी का बहता हुआ शफाफ पानी अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। मैंने देखा, इकबाल गहरी खामोशी से कुदरत का मुशाहदा कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो और खुदा की कुदरत आपस में कुछ अहम बातें कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि हमें इसी जगह पर कायम कर लेना चाहिए। ये जगह महफूज लग रही है। आपका क्या ख्याल है हमारे रहनुमा? मैंने इकबाल से वो कहा जिसके बारे में मैं फ़िक्रमंद था। मुझे हमारा दर बदर भटकना अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी मैंने उनको ये कहते हुए सुना, ई मुसाफिर जान बमीर दस मुकाम, जिंदा तर गर्द दस परवाज मदाम। ए मुसाफिर, ये समझ ले कि क़याम से जान मर जाती है और मुसलसल परवाज से रूह और भी ज़्यादा जिंदा हो जाती है। इकबाल के ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे, मानो कुदरत ने अपना दूसरा और बुनियादी राज मुझ पर खोल दिया हो। आखिरकार काफिले में मैं अकेला ही बुजुर्ग था। मुझे ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि इकबाल क्या कहना चाह रहे थे। इकबाल असल में यहाँ पर बस्ती बसाने के ख़िलाफ़ नहीं थे। हमें इजाज़त मिल चुकी थी। जहाँ तक मैं समझा, इकबाल एक जगह रुक जाने के ख़िलाफ़ थे। वो ज़िंदगी में किसी मोड़ पर रुक जाने को मौत समझते थे। उनकी नज़र में चलते रहना इंसान की रूह में और ज़िंदगी भर देता है। इंसान ने हमेशा अपने मकसद की तरफ रवादवा रहना चाहिए। मेरी उम्र तो बहुत कम बाकी रह गई थी, मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे इस दुनिया से जाने से पहले इकबाल की सोहबत और उनकी रहनुमाई नसीब हुई। मुझे काफिले को जाकर ही बताना था कि अब हम यहाँ पर अपनी बस्ती बसा सकते हैं। यकीनन वो सब बहुत खुश होने वाले थे। काफिले के लोग अपनी बस्ती बसाने के मंसूबे में लगे हुए थे। कोई जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए गया था, तो कोई छत के लिए घास फूस जमा कर रहा था। औरतें मिलकर खाना पकाने का इंतज़ाम कर रही थी, और बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। ये ताज़ा सुबह एक नई ज़िंदगी का पैगाम दे रही थी। इसी काफिले में दो और लोग थे, दानियाल और अब्दुल्ला। ये दोनों दोस्त थे जो बिज़नेस में ख़ास महारत रखते थे। शहर से बेदखल कर देने से पहले ये दोनों एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। इस कंपनी के कुल 12 एसेट्स थे जो $20 मिलियन पर खड़े हुए थे। ये दोनों फिर से उस मैदान में कदम रखना चाहते थे। कौम की बेबसी उन्हें कुछ करने पर उकसा रही थी, लेकिन खस्ता हाली और कुछ ना होने का अफसोस इन्हें भी कमज़ोर कर चुका था। इनके इरादे कमज़ोर और फैसले बेजान हो चुके थे। जो चीज़ ये खो चुके थे वो उनका यकीन था, कुछ कर गुजरने का यकीन। मैंने उनसे कहा कि वो इकबाल के पास जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि इसका हल सिर्फ इकबाल के पास मौजूद है। दानियाल। बुज़ुर्ग की सलाह पर अमल करने के बाद मैं और अब्दुल्ला रहनुमाई के लिए इकबाल के पास पहुँचे। वो अपने खेमे में आराम कर रहे थे। उनका खेमा बहुत सादा सा था। इसमें बस कुछ किताबें, कुरान और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। मैंने एक भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जो महज दिल बहलाने का कोई टूल हो। हम दोनों ने अपनी माजी के कारनामे इकबाल के सामने पेश किए। कुछ देर बाद अब्दुल्ला असल मुद्दे पर आया। आज हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दूसरों से बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारी नस्लें कुछ बड़ा करने के बजाय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने में लग जाएगी और उसी में उलझी रहेगी। मेरा ख्याल है कि हमें सबको इस बात से आगाह करना चाहिए ताकि वो इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। अब्दुल्ला ने हम दोनों की फ़िक्र को इकबाल के सामने रख दिया था।
क्योंकि हम दोनों ने खुशहाली को महसूस किया था जब हमारी कंपनी मुल्क की नामचीन कंपनियों में से एक थी। हम दोनों जानते थे कि फाइनेंशियली ताकतवर होना किसी कौम की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह होती है, और आज हमारा काफिला इसी खुशहाली से महरूम था, और ये महरूमी हमें हमारे मकसद से गाफिल कर सकती थी। मैं इसी सोच में गुम था कि इकबाल के अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे। कौम गोया जिस्म है, अफराद है आज़ाए कौम, मंजिल सनत के रह पैमा है दस्त पाए कौम। अगर कौम को एक जिस्म तस्वर कर लिया जाए तो कौम के मुख्तलिफ अफराद जिस्म के आज़ा करार पाएंगे। इन मुख्तलिफ अफराद में से जो लोग हुनर के मैदान में काम करते हैं और कौम की माशी हालत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो कौम के हाथ पाँव की हैसियत रखते हैं। मतलब साफ था, इकबाल हमें दूर के इलाकों में जाने और बेहतर कारोबार करने का इशारा दे रहे थे ताकि हम काफिले की हालत बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सके, उसके हाथ पाँव बन सके। दूर जाकर कोई बड़ा बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं था। मैं नहीं जानता था कि हम दोनों जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें हम कामयाब होंगे भी या नहीं, और उससे पहले ये कि हम ये कर पाएंगे भी या नहीं। यही सिचुएशन अब्दुल्ला की भी थी, वो भी इसी उलझन का शिकार था। एक बार हम दोनों के चेहरों पर इस परेशानी और उलझन को महसूस कर चुके थे, शायद इसीलिए उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। यकीन मिसल खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुदगुजीनी, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बे यकीने। ये वाकई में मैजिकल वर्ड्स थे तो ये अल्फाज ही, लेकिन इनको सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ घोल कर पी लिया हो। इन अल्फाजों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यकीन कितनी बड़ी दौलत है। जब हम सोचते हैं कि यकीन कामिल क्या है तो इसका बड़ा आसान और पॉजिटिव जवाब पैगम्बर बरहक हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अमल में मिल जाता है कि वो बेधड़क अंजाम की परवाह किए बगैर नमरूद की लगाई हुई आग में कूद पड़े थे। अल्लाह पर कामिल यकीन ने उस आग को उनके लिए ठंडा कर दिया था। कोई भी कदम उठाने से पहले महसूस होने वाले खौफ के पीछे बेयकीनी का हाथ होता है, और जब हम कोई भी कदम उठा लेते हैं तो उसके पीछे यकीन का एक ताकतवर सिस्टम काम करता है। कल सुबह होते ही हम दोनों अपने सफ़र पर रवाना होंगे। देखते हैं ये यकीन हमें कहाँ तक लेकर जाता है। मैंने अब्दुल्ला को चलने का इशारा किया, वो किताब के एक पेज में खोया हुआ था। अब्दुल्ला, दानियाल और मेरा सफ़र बहुत लंबा है। हमने आज तक जो भी काम किए साथ मिलकर किए। थोड़ी देर में हम हमारी इस बस्ती को छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन अगर आज मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो वह है मेरी बीवी। मुझे यकीन है अब्दुल्ला, आप ज़रूर कामयाब होकर लौटेंगे। अगर आज वो ज़िंदा होती तो ज़रूर मुझे इन अल्फाजों के साथ हौसला और दुआ देती। दरवेश, अब्दुल्ला की बीवी शहर छोड़ने से पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। हमलावरों ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की थी। उसके सर को दीवार पर बुरी तरह पटका गया था। उसका साथ अब्दुल्ला की कामयाबी की अहम वजह था। जब मैंने उन दोनों को जाते हुए देखा उस वक्त अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे। शायद वह इस अफसोस से कभी ना निकल पाए कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम रहा था। किताब का वो सफ़ा जिस पर उसकी नज़र पड़ी थी उसे शिद्दत के साथ अपनी बीवी के न होने का एहसास दिला रहा था। वह इकबाल का शेर था जो बुलंद आवाज़ में उसके जहन में गूंज रहा था। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरून। दुनिया की तस्वीर अगर रंगीन है तो सिर्फ औरत की मौजूदगी की वजह से है। औरत एक ऐसे साज की तरह है जिसमें से ऐसे नगमे निकलते हैं जिससे आदमी की ज़िंदगी में अंदरूनी सोज या गर्मी या हंगामा पैदा होती है। अगर दुनिया में सिर्फ मर्द ही होते और औरत ना होते तो कायनात की तस्वीर सरासर बेरंग होती। काफिले के लोग मुझे दरवेश कहते हैं। वो समझते हैं कि मुझे वो सब नज़र आता है जो किसी और को नज़र नहीं आता। अब्दुल्ला के दर्द को मैं महसूस कर सकता था। शायद हमदर्दी हमें दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखा देती है। मैं नहीं जानता कि हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं। उन्हें अब भी लगता है कि उन्हें हमसे ख़तरा है। तकरीबन दुनिया की बड़ी आबादी ये समझती है कि एक ना एक दिन हम उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, कोई तो है जो मुसलसल उनकी सोच पर काम कर रहा है। उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। कई सालों से फिल्म इंडस्ट्रीज़ और मीडिया
लोगों को हमारे खिलाफ करने पर तुली हुई है। शायद ऐसा करने से उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता होगा, या फिर सिर्फ मुनाफा ही उनका मकसद नहीं है। मैंने अपना बसेरा पहाड़ की एक गुफा में कर लिया था। बस्ती पर नज़र रखने के लिए ये जगह मुझे अच्छी लगी। अगर कोई ख़तरा हमारे करीब भी आया तो मैं उसे आसानी से देख सकता था। थोड़ी देर पहले मैं लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल की तरफ गया था। शायद कोई मेरा यकीन ना करे, लेकिन मैंने शैतानों की एक बहुत बड़ी महफिल को देखा है। वो सब इस बात पर फख्र कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया है। शायद इकबाल की सोबत का असर था कि मैं ये सब देख पाया।